और इस वक्त आप देख रहे हैं इमरान खान के वकला मीडिया से बात कर रहे हैं। मेरी खान साहब के साथ एक अकीदत है, मैंने उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कोई उजर नहीं है कि मैं हाई कोर्ट में पेश हूँ, मेरी सेफ्टी का जो मामला है वो इम्पॉर्टेंट है और जो मेरे डॉक्टर्स की एडवाइस है वो भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने जज साहब के साथ बड़े मदवाना तरीके से ये कहा है कि हम आपकी भी इज्जत करते हैं, खान साहब भी आपकी इज्जत करते हैं, आप सिक्योरिटी का मामला तय करवा दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट के पेश होने में हमें कोई इतराज़ नहीं है। उन्होंने हमें बड़ी खुशी है कि जज साहब ने बात बड़े तहम्मुल से सुनी और उन्होंने ऑर्डर किया है और डायरेक्शन दी है और एडवोकेट जनरल ऑफिस को भी ऑर्डर की कॉपी भेज दी गई है। कल मैं सुबह पीटीआई के दोस्तों के साथ मिलके आईजी साहब को मिलूंगा। जो आज मुझे नज़र आ रही है सिक्योरिटी हाई कोर्ट में, मैं पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं हूं। आईजी साहब के साथ मैं पूरी बात करूंगा, अदर सदी मेरे साथ होंगे, हसान न्याजी साहब मेरे साथ होंगे और वहां पे बात होगी कि किस तरीके से आप खान साहब की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करेंगे। अगर हम सेटिस्फाइड हुए तो इंशाल्लाह ताला मंडे को हम 2 बजे अदालत में पेश होंगे और जो गलतफहमी हुई है, एक मिसकंसेप्शन हुई है, उसको इंशाल्लाह ताला दूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा, दूसरा जो बेल, हाँ सर, दूसरा जो एक मिनट मैं हमें ये पता लगा है, मुझे अजहर ने बताया है कि जो बेल एप्लीकेशन थी डीबी में वो नॉन प्रोसिक्यूशन की बिना पे खारिज हुई है। इंशाल्लाह ताला हम कल नई एप्लीकेशन वहाँ मूव कर रहे हैं और वो भी मेरे ख्याल में मंडे को लग जाएगी। यानी वो सिक्योरिटी की वजह सारे हालात पेश आए हैं, खाजा सारे आपको बता दिए। बहुत थैंक यू वेरी मच।